हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कौर किच टी व्लॉग्स। सत श्री अकाल की मैं सारे, रब करे सब सुखी रहो, सब चंगे भले रहो, अपने परिवार नाल मस्त रहो। ते शाम दा वेला हो चुका है, बज चुके ने 6:15 ते मैं दी अज लाता बाबा जी अगे। सॉरी, मैं पंजाबी में की बात कर रही हूँ, सबको समझ नहीं आई, आई नो। मैंने बाबा जी के आगे दिया जला दिया है और अब मैंने जाना है गुरुद्वारे, और क्योंकि आजकल डेली शाम को मैं गुरुद्वारे ज़रूर जाती हूँ, तो मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे और फिर बाद में आके करेंगे बाकी की बातें। अभी फ़िलहाल चलते हैं बाबा जी के पास, बाबा जी के पास इन द सेंस मत्था टेकने गुरुद्वारे, चलते हैं जल्दी से जी। तो आपने देखा कि मैंने पूरा डेकोरेशन पूरा अच्छे से कर दिया है, सारा पूरा बाग गुरु की सारी डेकोरेशन मैंने कर दी अच्छे से। बट पता है लास्ट में क्या हुआ, मैंने वो लैम्प का बल्ब ऑन करा एंड आप वो वीडियो में देख ही सकते हो, वो ब्लास्ट हो गया, पता नहीं कैसे पूरे घर की लाइट चली गई थी। फिर अब 1 घंटे बाद लाइट आई है, नीचे से मीटर का ही वो होता है ना, कुछ MCB जो मेन MCB होती है वो नीचे से गिर जाती है, मेन फ्लैट वाली तो हमारे अंदर उसमें फ्लैट में ही है, बाकी वो वाली डाउन हो गई थी। सो ऐसा रहा हमारा गुरप्रूव, दिखा दिया आपको छोटा सा सेलिब्रेशन, क्या करें मैं और एंजल, बाकी इतना ही रहा। बाकी बाबा जी आप सब पे, हम पे, सब पे, आपके पूरे परिवार पे, सब पे मेहर भरात रखें, सबके परिवार में खुशियाँ हों और किसी के घर में दुख ना हो, हमारे हमें सही रास्ते पर चलाएं हमेशा, मेरे हाथ से या किसी के भी हाथ से कभी बुरा ना हो, और बस बाबा जी हमेशा सही समझ बख्शें। उनके नादान बच्चे हैं, भूल चूक कोई भी हो तो माफ़ करें बस। और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बाबा जी, एंड गुरुपुरब टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल ऑफ यू। मैं सबके लिए बाबा जी से अरदास करती हूँ कि सबके घरों में सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पर। तो सत श्री अकाल एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और ताकि आप मुझे फिर ऐसे ही वीडियो में देखते रहे आगे। थैंक यू सो मच गाइज, आप सबके प्यार के लिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सत श्री अकाल। गुरुद्वारे चल रहे हैं अब हम लोग, अभी मैं खड़ी हूँ सिग्नल पे और बहुत ट्रैफिक हो रहा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, और अभी मुझे ट्रैफिक क्लियर होते होते ही मतलब ये समझ लो कि कितनी देर अभी और लगेगी, और बस ट्रैफिक क्लियर होने का वो मतलब नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वेट करो मैं ट्रैफिक दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, बस पहुँचने वाली हूँ मैं गुरुद्वारे। फाइनली आई एम रीच, मैं पहुँच गई गुरुद्वारे। ये गुरुद्वारा है रसपना पुल गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, मैं जाऊँ मत्था टेकूँ, अंदर जाके कीर्तन हो रहा है, बाबा जी वाहेगुरु सुखी रखे दाता। चलो चलिए गुरुद्वारे, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने किया पुलाव का प्रिपरेशन, पूरा पुलाव बना रही हूँ। ये देखो मैंने कुकर में पूरा सब कुछ रख दिया, मैं कुकर कर रही हूँ बंद, ठीक है। गाइस
अब इसमें विसल आने देंगे, ठीक है? इसमें हमें आने देनी है विसल कितनी, 2 कंप्लीट विसल, थर्ड पे हमें इसे बंद करना है प्रॉपर, क्योंकि मैंने राइस जो थोड़े से सोक करके भी रखे हुए थे, पानी में भिगा के भी रखे हुए थे, और फिर जब बन जाएगा तब मैं सर्व करूँगी, आप सब लोग भी आ जाना खाने के लिए। एंड देन अब मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बाहर ही बैठती हूँ कि अंदर गई तो मुझे, मैं डोर क्लोज़ करे बिना अंदर नहीं जाती रूम में, मैं डोर क्लोज़ करती करती हूँ, फिर डोर क्लोज़ करके ना कई बार विसल की आवाज़ नहीं आती, सो इसीलिए बाहर ही रहूँगी अभी। और धनिया वगैरह चॉप करके रख दिया, पूरा सारा काम हो गया, बस अब जस्ट सर्विंग रह गई है मेरी, और ये सब जो फालतू बर्तन वगैरह पड़े हैं इतना ये साइड हटा के रख देती हूँ, खाली बर्तन पूरा भीड़ पड़ी हुई है इधर, सीरियसली, ठीक है? ये सब साइड कर दिए मैंने, थोड़ी सी ये पानी की बॉटल्स वगैरह फिल कर लेती हूँ, ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, और घर में खाली बॉटल्स या खाली घड़ा नहीं रखते, आपको पता होगा, तो इसलिए मैं ये फिल कर लेती हूँ, इतना इतना विसल आ रही है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। और सो गुरुद्वारे से आते हुए भी पता है मुझे बहुत ट्रैफिक लगा था, और ऊपर से इतनी ठंड, बाहर पता है कितना फॉग आना स्टार्ट हो गया है, और अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब 9 बज रहे हैं और बाहर फॉग आ रखा है, बहुत ज़्यादा, बहुत फॉगी फॉगी हो रखा है, और इवन अभी 11 बजे के आसपास तक तो ये गैलरी भी नहीं दिखती मेरी, वॉशिंग एरिया वाली। मैं पानी भरी हुई है, मेरे आ रहे हो इसमें पानी भरी हो, मेरी गैलरी भी नहीं दिखती है यहाँ से, किचन से वॉशिंग एरिया वाली, इतना ज़्यादा वो हो जाता है। तो चलिए ठीक है, अब फिलहाल पहले मैं फटाफट से इसको बना लेती हूँ, सर्व कर लेती हूँ, आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, सब आ जाओ खाने के लिए फटाफट से। भी हो गई मेरी फिल, विसल आने वाली है, कोरियन के लिए, वो देखो विसल आ गई, ठीक है? आपने आवाज़ सुन ली होगी, बॉटल भर गई, सारा काम हो गया, जस्ट सर्विंग रह गई है, और मैं सर्व करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी फाइनल प्लेटिंग, ठीक है? एंड देन फिर उसके बाद खा के अपना पेट पूजा करके फिर मैं जाऊँगी सोने, तो पता नहीं है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा इवनिंग व्लॉग, मॉर्निंग व्लॉग मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो जाकर फटाफट देख लो, और हाँ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस कैसे दिखेंगी, है ना? तो अपकमिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो और शेयर कर दिया करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये देखो यहाँ का बाहर का व्यू रात के टाइम पे, अभी फ़िलहाल बहुत सही है, ये मेरी सोसाइटी है पीछे, अपार्टमेंट का ही आ रहा है, ठीक है? तो अभी हम मिलते हैं जल्दी से, सेकंड विसल आने वाली है, मैं उसको करती हूँ फिर ऑफ, थर्ड विसल आती, और मिलते हैं जल्दी से प्लेटिंग के साथ। गाइस ये रहा मेरा पुलाव, मैंने बनाया बहुत गर्म गर्म है अभी, और ये साथ में चाय, थोड़ा गले को आराम देगी, गला ख़राब हो रहा है, आ जाओ आप लोग भी सब गर्म गर्म खा लो फटाफट आके। हेलो गाइस, तो खाना खा चुकी हूँ, आपको दिखाया ही था, खाना वाना खा के अब थोड़ी देर देखने लगी हूँ मैं टीवी, टीवी में देखती हूँ कोई मूवी वगैरह कुछ आ रही हो तो, एंजल तो सो गई है, और फिर उसके बाद हाँ टीवी वगैरह देखने के बाद फिर थोड़ी देर देखूँगी, ज़्यादा देर नहीं, फिर उसके बाद सो जाएंगे, आराम करेंगे, और इस ब्लॉग को कर देते हैं अब यहीं एंड, क्योंकि रात हो चुकी है बहुत, 10:30 हो चुके हैं, और अब मुझे आई थिंक सो भी जाना चाहिए टाइमली, बट अभी नींद नहीं आ रही तो इसलिए थोड़ा सा टीवी देखूंगी, फिर थोड़ा सा जब मुझे स्लीपी फील होने लगेगा तो आई टर्न ऑफ द टीवी एंड देन जस्ट गो टू द बेड, और फिर उसके बाद अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल के व्लॉग में, जल्दी से मेरे व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए अपना, ठीक है? चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय बाय।